नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से सरकार की तरफ से भी एक अभियान यहां पर चलाया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, एलजी मनोज सिन्हा की अगर बात करें तो उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया कि नशा मुक्त अब जम्मू कश्मीर को किया जाएगा, क्योंकि लगातार नशे के केसेस भी बढ़ते जा रहे थे और बच्चे भी इसकी चपेट में आते जा रहे थे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, आपसे सबसे पहले जानेंगे कि जिस तरह से आप देखिए ज्यादातर केसेस जो है वो जम्मू कश्मीर में भी बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से अब इनिशिएटिव लिया गया सरकार की तरफ से, आप किस तरह से काम कर रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया, क्योंकि पिछले 2020 में जो सर्वे हुआ था तो उसमें हमारे पांच ही डिस्ट्रिक्ट थे, रजौरी, पुंछ वगैरह। तो अभी जस्ट रिसेंटली अभी दो डिस्ट्रिक्ट और जुड़ गए, जम्मू और सांबा भी। तो हमारे लिए तो बहुत चिंता का विषय है कि हमारे युवा भी इस दलदल में आ रहे हैं। तो जैसे ही हम तो खैर 365 दिन ही काम करते हैं, मैं समाजसेवी हूँ, जगह जगह लोगों के पास जाता हूँ, फार फ्लंग एरिया में जाता हूँ, शहरों में जाता हूँ लोगों की सेवा करने के लिए। जब देखता हूँ कि कुछ हमारे नौजवान दलदल में जा रहे हैं तो मेरा भी एक फर्ज सामाजिक तौर पर बनता है कि मैं भी इस कुरीति को दूर करने के लिए अपना अहम योगदान दूं। तो मैं क्या करता हूं कि मैं अपनी तरफ से तो प्रोग्राम करता हूं, समझाता हूं लोगों को, नुक्कड़ सभा करता हूं, कॉलेजों में जाता हूं। तो इसी तरह जैसे डिपार्टमेंट का जब भी कोई स्कीम आती है, जैसे अभी आई है तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो नोडल एजेंसी है इस पूरे काम के लिए, तो उनके साथ ही मिलकर मैं प्रोग्राम करता हूं, जो भी इनके प्रोग्राम होते हैं वहां जाके बच्चों को समझाना करना कि ये जो कुरीति है ये कितना नुकसानदेह हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो अभियान शुरू किया गया है वो ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल तक करने की कोशिश की गई, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये थी कि बच्चियों के लिए भी अब नशा मुक्ति केंद्र जो हैं वो खोले जाएंगे। बिल्कुल मैम, जैसे ब्लॉक लेवल पे तो चल ही रहा है, जैसे कल ही मीटिंग वगैरह हुई है, हर डिस्ट्रिक्ट में डीसी वगैरह मीटिंग ले रहे हैं, मेरा छोटा भाई भी सरपंच है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है नशा मुक्त के लिए। लेकिन मैं कहता हूँ जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में खोलने की भी प्लानिंग चल रही है और कुछ जगह काम भी हो रहे हैं, इस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने देखना चाहिए कि इस चीज़ को वार लेवल पे इसको फटाफट बनाए, ताकि जो बच्चे इस दलदल में आ चुके हैं, क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर से इतना अच्छा भी नहीं है कि हम बच्चों को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजें, तो अच्छे रिहेबिलिटेशन हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेंगे तो उससे क्या होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे, कुछ दो चार बच्चे जो भी होंगे जिनको रिक्वायर्ड है, हम उनको वहाँ पर जाकर उनका क्योरमेंट कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस प्रोग्राम, ये भी वार लेवल पर होना चाहिए, ये कुछ एक दो महीने के लिए नहीं होना चाहिए, ये भी 365 दिन ही चलने चाहिए। क्योंकि आप कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे PRIs की परमानेंट ड्यूटी लगा दो कि हर महीने वो अपने इसमें प्रोग्राम करेंगे, हर महीने उनका प्रोग्राम डीसी लेवल पे उनका आना चाहिए, स्कूल में जब सुबह की असेंबली होती है वहाँ पर हर बच्चे डेली प्लेज करें कि हमने नशा नहीं करना है। तो इस चीज़ का वार लेवल पे हर दिन हर 24 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम इंडिया को ड्रग फ्री नेशन। जो केंद्र अभी खोले जा रहे हैं कितना फायदा होने वाला है? फायदा तो बहुत होने वाला, नहीं खुले कब ये देखना है, क्योंकि जब जितने ज्यादा सेंटर खुलेंगे उतना ज्यादा लोगों को फायदा भी होगा इसका। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल बहुत अच्छे से बात उन्होंने कह दी है कि खुलने वाले हैं, अभी खुले नहीं हैं, जितनी जल्दी खुल जाते हैं तो जाहिर तौर पर काम हो सकता है, जमीनी सतह तक उसे लागू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बात कह तो दी गई है कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर यहाँ नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे, पंचायत लेवल में खोले जाएंगे, ब्लॉक लेवल में खोले जाएंगे, और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि बच्चियों के लिए भी नशा मुक्ति केंद्र जो है वो खोले जाएंगे। तो जाहिर तौर पर ग्राउंड पर उतरने कर भी देखने की जरूरत है कि किस तरह से वो काम यहाँ पर होगा। और सबसे बड़ी बात कि ज्यादातर नशे के केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस की टीमों की भी आप देखिए मुस्तैदी किस तरह से देखी गई है, क्योंकि टीम्स का गठन किया गया है, तो जाहिर तौर पर वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन देखना ही होगा कि उसका लाभ कितना होता है। आप देखते रहिए। फिरदौस का टुकड़ा है, हर आंख का तारा है, दुनिया में अगर दिल है गुलमर्ग हमारा है। जी हां नाज़रीन, अगर हम सैयद मुकाम गुलमर्ग की बात करें, पूरी दुनिया में जो है सैयद मुकाम गुलमर्ग मानी जा रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के बाद अगर हम इस वक्त बात करेंगे, इस वक्त अच्छी खासी तादाद आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, एक बार फिर सयों ने सैयद मुकाम की तरफ जो है रुख करना शुरू कर दिया है। वही जब हमारी यहाँ पर आम लोगों से बात होती है तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे जो है वो खिलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हमने देखा था कई दिनों में यहाँ पर अगर टूरिस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर कम हुए थे, लेकिन यहाँ पर आम लोगों को जो है थोड़ी बहुत जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बार फिर हम देख रहे हैं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ सैयदी मकाम पर एक बार फिर सयाहों का जो जमावड़ा है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो एक बार फिर यहाँ पर जो सयाहत से जुड़े लोग हैं कहीं ना कहीं उनमें जो है खुशी पाई जा रही है। उम्मीद यही की जाती है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आए ताकि यहाँ की सयाहत में भी मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। वही जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो सयाहत से वापस्ता लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हें रोज़गार भी मिल सके। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमर्ग ले चलते और दिखाते क्या करें यहाँ पर आम लोग इस हवाले से। अब देखो टूरिस्ट आने लगा लोगों में हमने कहीं ना कहीं हमने उनके चेहरे पर खुशी महसूस देखी, उनके चेहरे पर खुशी हमने देखी। लोग चाहे होटल वाला हो, ट्रांसपोर्ट हो, गाइड हो, या कोई भी इससे शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, जो भी है सब इससे वाबस्ता है और सब इसमें मसरूफ़ है। तो आना भी चाहिए, देखो आने वाले टूरिस्ट के लिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग आओ कश्मीर, कोई ख़तरा नहीं,
कोई लोग लोग यहाँ सब आपको प्यार करेंगे। हमारे पास बहुत सारे अकोमोडेशन है, हट से हमारे पास होटल है, हमारे पास हाउस बोट है हमारे पास। अगर इसके बावजूद हमें अकोमोडेशन कम पड़ेगा, यहाँ का लोगों का कश्मीरियत जो उसको जिनको कहते हैं कश्मीर जो लोग हैं वो उनको घर में सहायता दे देंगे, उनको घर में जगह दे देंगे, वो भी प्यार से। यहाँ के लोग अच्छे हैं, हम टूरिस्ट को कहेंगे, हम हर एक यही नहीं कि अपने हिंदुस्तान को, हम पूरा देश को पूरा विश्व को हम बोलें कहते हैं कि आप लोग आओ, आप लोग एक दिन कश्मीर आओ, हम सबको दावा देते हैं, इन्जॉय करो, कश्मीर का नज़ारा देखो, ये हरियाली, यहाँ का जो लोकेशन है बहुत अच्छी है, एक बार देखो, एक बार कश्मीर आओ। हम उनके सबको वेलकम करते हैं सर। हमारा टूरिज्म सेक्रेटरी साहब है यहाँ का, और जो हमारा डायरेक्टर टूरिज्म साहब है, हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। तारीख का ये हमने आज से पहले 10-15 दिन अनाउंस किया था पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस की तरफ से कि हमने ताली और थाली से ये मैसेज देना है अपने प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के हैं। वो जब यहाँ आए थे उन्होंने हमसे वादा किया था, उन्होंने एक ललकार रैली जम्मू में की थी, वहाँ उन्होंने हमें बोला था कि सबसे बड़ा मसला जो है जम्मू कश्मीर का वो डेली वेजर्स का मसला है, आते ही जम्मू कश्मीर में जो ही बीजेपी की सरकार आ जाएगी हम ये मसला जो है हल करेंगे, इनकी रेगुलाइजेशन हम शुरू करेंगे। वो भी नहीं हुआ, उसके साथ साथ जो ये ताली और थाली का मसला है, ये जब यहाँ कोरोना काल था, जो ये पूरे का पूरा कोरोना काल था, हम लोग जो डेली वेजर हैं 28 डिपार्टमेंटों के, हमने बाजाबता तौर जो है इस कोरोना काल में काम किया। हमारे आइडेंटिटी कार्ड को इन्होंने बाजाबता तौर कर्फ्यू पास बताया था, क्योंकि हम लोग मुफ्त में काम करते थे। इनके जो लाट कर्जन थे, जो काम नहीं करते थे, जो 50-50 70-70 हज़ार 80-80 हज़ार तनख्वाह लेते थे, वो बाहर निकलने को डरते थे। आपने देखा कि आपके हेड ऑफिस में काफ़ी अर्से आपने प्रोटेस्ट किया, कोई बीच का रास्ता निकला अभी तक? सर ऐसा है कि बीच का रास्ता जो ये निकालते थे पिछले 28 साल से, हमें वो काबिल कबूल नहीं है, ना हम वो मानेंगे। जो हमारी मेन डिमांडें हैं रेगुलाइजेशन पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर डेली ड्यूटी, अगर ये तीन डिमांडें हमारी पूरी हो जाएंगी, हमारी उसी वक्त हड़ताल जो है स्ट्राइक जो है पोस्टपोन हो जाएगी। अगर इनमें से एक भी बकाया रहेगी या ये नहीं करेंगे, ये हमें वही लॉलीपॉप दिखाएंगे, वही लाला रप्पा दिखाएंगे, हम मानने वाले लोग नहीं है। हमने क्लियर कट किया है कि ये हमारे बच्चों की लड़ाई है, डेली वेजर्स के बच्चों का फ्यूचर है। आगे अगर ये डार्क हो जाएगा हमारा तो काम खत्म ही हो जाएगा, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम ये माफ किसी को नहीं करेंगे। अभी आप डिप्टी कमिश्नर डोडा के पास भी गए थे, क्या उनसे कोई बातचीत वगैरह हुई इस मुद्दे? इस वक्त डीसी साहब जो हैं जो शेड्यूल में ये मीटिंगों में मुबतला हो जाते हैं, जो ही हमारा कहीं काम हो जाता है, इस वक्त भी हमारे डीसी साहब जो है कहीं मीटिंग में हैं, बोलते हैं कि आप रुको। हम रुके नहीं, हमने ऐसी ऑफिस जाना है, हमने ऐसी साहब से भी रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि इस वक्त जो हमारा काम है डेली वेजर जो है इस वक्त जाग चुका है। हमारा पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का नारा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। अगर आज ये डेली वेजर का काम नहीं करेंगे, अगर बीजेपी वालों को, ये हमारा स्पष्ट मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है कि अगर बीजेपी वाले इलेक्शन से पहले पहले हमारा काम नहीं करेंगे, तो हम ये इनको लिख कर देते हैं, चैलेंज है हमारी तरफ से, 5 सीटें हम इनको लेने नहीं देंगे। रही सीएम बनने की बात, रही 50 के पार की बात, वो उस ख्वाबे गाफलत में ये नहीं रहे। मंत्री से संतरी को लेकर अगर हम बात करें, हर एक शख्स का दरवाजा आपने खटखटाया, पर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, क्या बताना चाहोगे रुकावट किस जगह पे है? देखें सर, बात ऐसे है, ये हमारे पास आते हैं, जम्मू में भी ये हमारे पास आए, लेकिन ये उसी तरीके से आए जिस तरीके से जो इनका तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार ना हमें पहले मंजूर था, ना अब है, ना आगे रहेगा, क्योंकि तरीका वो होना चाहिए जहां काम निकले, जहां डेली वेजरों की रेगुलाइजेशन शुरू हो जाएगी। इनके पास बना हुआ एसआरओ है, एसआरओ चौहट, इन्होंने 2017 में बाजाबता तौर जहां यहां बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, इन्होंने डेली वेजर्स के लिए मखसूस एक एसआरओ बनाया था 520, उसमें थोड़े से पीडब्ल्यूडी और एक और महकमे के थोड़े से चंद फाइलें जो है इन्होंने की, अप्रूवल दे दिया, वो इन्होंने रेगुलर किए, लेकिन बाकी जो है इसी तरह से है सारा, 60 हज़ार डेली वेजर जो है वो इसी वक्त, वो तब से लेकर आज तक इसी, क्या कहते हैं, इसे क्या मैसेज देना चाहते थे आज आप? थाली आपने बजाई, थाली और जो ताली का मैसेज है, ये प्रधानमंत्री साहब ने उस दिन बोला था कि अब हमने यहां से हिंदुस्तान से कोरोना को भगाया है। भगाया किन्होंने है? भगाया हम लोगों ने था जो कोरोना काल में बाहर थे, जिन्होंने अपने घर का नुकसान किया। हमारे जम्मू के जो हुशार सिंह जी हैं, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर
क्या कहते हैं ताज जी हैं, राजेंद्र जी ताज हैं और दूसरे हमारे रवि जी हैं, उन्होंने अपना सेल्फ घर का नुकसान किया। राजेंद्र जी ताज जो है उनके बाप की डेथ हो गई कोरोना से, जब वो बाहर से गए उनको इन्फेक्शन थी, वो घर में जाकर उनके बाप को लगी। उसी तरीके से हुशार सिंह जी हैं, वो भी वहाँ से गए बाहर से काम करते करते गए घर और उनके बाप को वो इन्फेक्शन हो गई, उनकी भी डेथ हो गई। और हमारे क्या कहते हैं रवि जी हैं, वो दो महीने कंटिन्यू इसमें रहे क्या से कोरोना में। लेकिन आपका नाम जानना चाहूंगा, आप भी इसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, शुक्रतली बाटे, कितनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और आज मैसेज जो दिया आपने सरकार को, क्या बताना चाहोगे? हमने ये मैसेज दिया कि हमारे जो बच्चे हैं वो कसमें कुर्सी की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम बहुत परेशानी में मुबतला हैं। अब हमारा ये आखिरी कदम साबित होना चाहिए, गवर्नमेंट के लिए एक चेतावनी है। हमने थाली इसलिए रखी है कि हमारे बच्चे जो भूख से निढाल हैं, न कोई दुकानदार न कोई ताजिर हमें कोई भी बर्दाश्त करने के लिए कबूल नहीं है माशरे में। हम ज़बरदस्त मुश्किलातों में हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों से फीस न देने की वजह से निकाले जा रहे हैं, न उनके पास वर्दी है न खाने के लिए कुछ है, हम बहुत परेशानी में मुबतला हैं। हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो जो आइंदा का लाए अमल होगा, तरीक़ेकार होगा, वो शायद इससे मुख्तलिफ होगा, उससे फिर यहाँ की आवाम भी और एडमिनिस्ट्रेशन भी मुतासर होगी, फिर उसकी पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो गवर्नमेंट तक होगी। चलिए, साफ तौर पर देखा आपने कि आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन को भी आ सकती है, जिस तरह से पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के मेंबरों ने सीधा तौर पे कहा कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम इसी तरह से, यही तस्वीरें जो है सामने निकल के आएंगी। जिस तरह से इन्होंने आज अलग तरीका अपनाया, एक थाली और ताली बजाई, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने की, सरकार को जगाने की कोशिश की, जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात जो है दिन ब दिन बदतर होते जाएंगे। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो भी डिमांड इनकी है, खासकर जो रेगुलाइजेशन है, जो भी जनरल डिमांड है, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। राजौरी में इंतजामिया की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दिया। दरअसल दो ग्रुपों में एक जमीन को लेकर मामला सामने आया था, जहां एक जमीन पर दो ग्रुप क्लेम कर रहे हैं कि वो जमीन उनकी है, और उसके बाद इंतजामिया ने वो जमीन पहले ही सील कर दी है। और उसके बाद सील करने के बाद आज सुबह इंतजामिया की तरफ से राजौरी के अंदर दफा 144 नाफिज कर दिया है। दफा 144 के साथ ही राजौरी की गलियों के कई गलियों के अंदर खारदार तारे बिछा दी गई हैं, किसी को बाजार के अंदर आने की इजाजत नहीं है। और राजौरी की जो मैं ये मंजर आपको दिखा रहा हूँ, इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अहलकार सिर्फ आपको नजर आएंगे। हालांकि राजौरी के अंदर दफा 144 नाफिज किया गया, मगर हालात बिल्कुल कर्फ्यू जैसे नजर आ रहे हैं, जहाँ किसी को भी मार्केट की तरफ आने की इजाजत नहीं है। वहीं पूरी तरह राजौरी के अंदर कारोबारी सरगर्मियाँ पूरी तरह ठप हैं। इस वक्त मार्केट का ये मंजर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पूरी तरह मार्केट बंद नजर आ रही है और दफा 144 नाफिज किया गया। इंतजामिया की तरफ से हाली दफा 144 जरूर नाफिज किया गया, मगर हालात बिल्कुल कर्फ्यू जैसे राजौरी अंदर नजर आ रहे हैं, जहां किसी को भी मार्केट के अंदर आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से आज सुबह पहले ही टोन के अंदर आने वाले तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्म सादर किया गया और उसके बाद दफा 144 नाफिज कर दिया गया। राजौरी के अंदर इस वक्त दफा 144 के बाद हालात बिल्कुल कर्फ्यू जैसे नजर आएंगे, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के अहलकार आपको मार्केट के अंदर नजर आएंगे। किसी भी शहरी को बाजार की तरफ आने की इजाजत नहीं दी जा रही और राजौरी की पूरी मार्केट बंद रखी गई और दफा 144 के बाद कई इलाकों में तखारदार तारे बिछा दी गई हैं। राजौरी के अंदर आने वाले कई रास्तों पर भी सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। उसके बाद राजौरी शहर के अंदर दाखिल होने वाली छोटी कई गलियों के अंदर तखारदार तारे भी बिछा दी गई हैं। हालांकि दफा 144 नाफिज किया गया, मगर हालात बिल्कुल कर्फ्यू जैसे नजर आते हैं, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से पहले ही कड़े कदम उठा लिए गए थे। राजौरी टोन के अंदर ही एक ज़मीन है, जिसको लेकर दो ग्रुप क्लेम करते हैं कि वो ज़मीन उनकी है, जिसके बाद इंतजामिया ने कल पहले वो ज़मीन सील कर दी थी और के बाद आज सुबह तालीमी इदारों को बंद करने के साथ दफा 144 नाफिज कर दिया और तमाम कारोबारी सरगर्मियां राजौरी में बंद पड़ी हैं। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, राजौरी। हाई स्कूल शादाब में और यहां पे आया और मैं आपसे सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि शादाब हाई स्कूल के बारे में यहां पे किन चीज़ों की मुश्किलात है और यहां पे क्या मामला थे। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपने स्कूल देखा, स्कूल की चारदीवारी भी देखी, यहाँ की खिड़कियाँ दरवाजे आपने देखे, खिड़कियाँ दरवाजे तमाम टूटे हुए हैं, यहाँ का कोई शीशा सेफ नहीं है। ये मुझे हमें मालूम नहीं है ये किस किन वजूहात के मतलब है ना तौर पर ये इतना नुकसान स्कूल पर क्यों पहुँचता है। यहाँ के इन उस्तादों के होने पर भी
इनके रहने से भी, मतलब इतना नुकसान क्यों होता है? अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स आते हैं, पैसा आता है, कोई चीज़ भेजती है गवर्नमेंट, तो इन स्कूलों में वो खर्च होना चाहिए था न कि हमें भी ये मालूम नहीं होता कि आखिर इन पैसों का क्या होता है। दूसरी बात, हमारे इस स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है। यहाँ के हमारे इस स्कूल से शादाब स्कूल के भाई, शादाब हाई स्कूल के 60 टीचरों को यहाँ से ट्रांसफर दूसरी जगह किया गया, जिनकी सैलरी बाजाबता तौर पर इसी स्कूल के नाम पर निकलती है, मगर ड्यूटी कहीं उनकी और जगह है। और दूसरी बात, हमारे इस शादाब हाई स्कूल में 2006 से कंप्यूटर पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेकार पड़े हैं, वो रूम्स में पड़े हैं। मेरे ख्याल में उन्हें जंग भी लगा होगा, अब वो ख़त्म भी हो गए हुए, लेकिन आज तक 2006 से आज तक इस वक्त तक लेकर भी वो कंप्यूटर यूज़ नहीं हुए, ना ही किसी ने उनको यूज़ करने की कोशिश की। अब जब हम उस्तादों से पूछते थे, उस्तादों का कहना यही था कि भाई हमारे पास उस्तादों की कमी, हमारे पास कंप्यूटर चलाने वाला कोई उस्ताद नहीं है, हम कहाँ से लाएं? यहाँ तक कोई फैसिलिटी तो है ही नहीं। किस चीज़ की फैसिलिटी? आपने भी देखा, आपने ग्राउंड भी देखा, आपने अंदर भी देखा, आपने रूम्स भी देखे, 100% सच बात है कि जब इस स्कूल, मतलब पेरेंट तंग खुद आता है, पहले तो आपने जब वो यहाँ पे शादाब गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट खुद तंग आता है, वो देखता है बच्चे की तालीम, वो बच्चे की बाकी चीज़ें देखता है, देखने के बावजूद वो तंग आके अपने बच्चे को किसी और स्कूल में शिफ्ट कर लेता है, प्राइवेट स्कूल में वो भेजता है कि वहाँ पे अपने आप को बेच के फरोख्त करके वहाँ अपनी फीस अदा करता है। लेकिन अगर हमारा यहाँ पे शादाब हाई स्कूल है, इस स्कूल के होने इतना अच्छा, मतलब यहाँ के टीचर होने के बावजूद हमारा बच्चा क्यों जा सकता है प्राइवेट स्कूल में? क्या मजबूरी है उनको? लेकिन जब कुछ यहाँ की खामियाँ हैं, कुछ कमियां यहाँ पे, तो तब वो मजबूर हो जाते हैं। गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के, अगर मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर है, हाँ सीओ साहब है, बाकी हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब है, अगर वो मतलब वो कर सकते हैं इन चीज़ों में, स्कूल की मतलब स्कूल के बारे में, इस हाई स्कूल के बारे में, इस मामले में हर मतलब इंतजाई कोशिश कर सकते हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो हमारी ये चीज़ें मुयसर कर सकते हैं, ये उन्हें मतलब उनके लाजमी भी है, वो कर भी सकते हैं कि बच्चे वो यहाँ के बिना मालिक बिल्कुल हमें ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए उनसे। कि वो हाई स्कूल शादाब करवा है, तो अगर मेरे पास कोई भी डिमांड उनकी आई तो मैं उनको चाहिए कि वो खुद भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये मैं भी यहाँ से उनको डायरेक्शन दूंगा, अगर कोई एडिशनल छोटा मोटा फंड चाहिए वो भी हम यहाँ से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से कोई डिमांड ऐसी नहीं आई, अगर कोई ऐसी कोई उनको प्रॉब्लम कंप्यूटर ट्रेंड टीचर यानी की है तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो जो ऑलरेडी वहाँ स्टाफ है उनमें से ही किसी को ट्रेंड करके उसका लुक आफ्टर करवा देंगे। स्कूल टीचर को, हेडमास्टर को ही उसके बारे में सोच विचार करनी है। लोकल फंड्स वहाँ है, उनको CPW उन्होंने लगाए हुए हैं जैसे मेरी नॉलेज है, तो उनसे उनको सफाई करवानी है स्कूल को अच्छा बनाने के लिए। कोई भी अगर कोई वो कदम हेडमास्टर उठाएगा तो हम उनके साथ हैं। सर कहाँ यहाँ जब भी आया कोई बात तो हमने उनका पूरी उस पर ध्यान दिया, उसके लिए कोशिश की गई है वो पूरा करने की, ऐसी बात तो नहीं है, मेरे पास रिटर्न में कुछ नहीं आया। चेकिंग 24/7 देख रहे हैं और ग्राउंड जीरो से मैं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। नाजिम, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से जो है स्टेट गवर्नमेंट की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, इनकी ये कोशिश यही रही है कि जो गवर्नमेंट इदारे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनको जो है एक अच्छी तरीके से जो जितनी भी सहूलियात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड की जाएँ। देखा कि बहुत बार हमारे सामने ये मुद्दा आया था कि कहीं जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से निकाल के जो है प्राइवेट स्कूल्स में जो है उनका दाखिला करते हैं, क्योंकि जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं उनकी वजह से जो है पेरेंट्स तंग आ चुके हैं, बच्चों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए थी। उस चीज़ को लेके आज हम जब शादाब करवा में जब लोगों ने हमें जो लोकल से उन्होंने हमें कॉल की, कॉल मसूल हुई, तो उस ज़मीन में हम जब शादाब करवा हाई स्कूल में पहुंचे तो वहां पे हमने देखा कि सचमुच लैक ऑफ फैसिलिटीज़ की वजह से ही जो है जो स्टूडेंट्स हैं वो जो परेशान होते हैं। हमने शादाब करवा के अंदर स्कूल के अंदर जाके देखा कि स्कूल में जो विंडोज़ हैं या डोर्स हैं या मिरर्स हैं तब जो हैं टूटे फूटे मिले। ऐसा लग रहा था कि हम किसी स्कूल में नहीं, ना जाने किसी ओल्ड ऐसी बिल्डिंग में हम घुस गए हैं जहाँ पे कोई रहता ना हो। बच्चे भी होते हैं वहाँ पे, हमने देखा कि मिरर टूटे हुए हैं, पावर जो फिटिंग है फिटिंग की हुई है, वो तारें भी बिखरी हुई थी, जिसके खदशात ऐसा भी जाहिर किया जा सकता था कि छोटे बच्चे कहीं उस जद में ना आ जाए। कंसर्न है CEO साहब, उनसे हमने बात की तो CEO साहब का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रिंसिपल होता है हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल का, ये उसी के हाथ में होता है कि वो किस तरह से मेंटेनिंग करे, किस तरह से स्कूल को जो है मेंटेन करके रखे और आगे ले चले। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि उस स्कूल में जो है कंप्यूटर लैब 2014 का जूं का तो पड़ा हुआ है, लाखों रुपए का कंप्यूटर लैब है, लेकिन आज तक वो फंक्शनल नहीं है, डिफंक पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से गरीब बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो भी कंप्यूटर सीखें और फ्री सीखें। तो यही वजह है कि गरीब जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, वो कर्ज काट के अपने बच्चों को
प्राइवेट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में दाखिला करवाते हैं ताकि आगे जाके वो कंप्यूटर जो नॉलेज है उनको कहीं ना कहीं इनको फ़ायदा मिले। तो जैसे ही हमने सीओ साहब से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जो है फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेंगे और साथ साथ जो लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं इनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। अगर टीचर नहीं है या तो हम उन्हीं में से एडजस्ट करेंगे, नहीं तो हम उनको एक कंप्यूटर नोइंग जो है टीचर वो हम प्रोवाइड करेंगे। जेके 24/7 के लिए शोपियां से मोहम्मद आसिफ।